भोलू नाम का एक बच्चा कोकिलापुरम गांव में रात के समय नदी किनारे घूमने निकला था। तभी उसे वहां तट पर एक बेहोश जलपरी दिखी। हे भगवान, क्या बला है, जलपरी! भोलू दौड़ते हुए उस जलपरी की मदद करने पहुंचा। भोलू ने उस जलपरी के मुंह पर पानी के छींटे मारे और जलपरी होश में आने लगी। उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? तुमने तो डरा ही दिया, चिल्लाना तो मुझे चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ भोलू और ये कोकिलपुर राम गांव है। पर मानना पड़ेगा, जलपरियां सच में होती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने परिवार से अलग हो गई और यहाँ पहुँच गई और और क्या, भूख भी लगी है। भोलू जलपरी की बातें सुनकर हंस पड़ा। दोनों ही एक दूसरे से पहले डरे जरूर थे, पर अब वो तनाव हट सा गया। भोलू उस जलपरी को अपने घर ले आता है। भोलू के माता और पिता उसे देखकर चौंक गए। अरे भोलू बेटा, ये क्या लाया है तू? अरे माँ, ये कोई वस्तु थोड़ी है जो ऐसे पूछ रही है आप। जलपरी है, नदी किनारे मिली थी मुझे। बेचारी अपने परिवार से बिछड़ गई और बहुत भूखी भी है। क्यों? माँ, बहुत भूख लगी है। अब सवाल बाद में करना मीनाक्षी, इस बच्ची ने तुम्हें माँ भी कह दिया। पहले इसे भोजन कराओ और आराम करने दो, बाकी सवाल जवाब हम कल कर लेंगे। जी, जैसा आप कहें। मीनाक्षी जलपरी को खाना खिलाने के बाद उसे अपने साथ सुला लेती है। अगली सुबह भोलू और जलपरी सोए हुए हैं और मीनाक्षी दिनेश से बातें कर रही है। अब हम क्या करें? अगर हम इसे रख लें अपने साथ तो क्या ये हम लोगों में घुल पाएगी? बात तो सही कहती हो, पर हम इसे अकेला छोड़ भी तो नहीं सकते ना। हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है, आते ही घुल मिल गई हम सबसे। अगर इसे लोगों में घुलना मिलना सीखना है तो हमें इसे विद्यालय भेजना चाहिए, क्या कहती हो? हाँ, लेकिन ये भले ही घुल मिल जाए, लोगों का क्या करें? ये बच्ची इतनी कीमती है कि कोई ना कोई जरूर इसे दुख पहुंचा सकता है। लोगों से बचाना हमारा काम है। अब ये हमारे घर आ गई है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम इसे पढ़ाएंगे। अगर मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को दिक्कत होगी तो मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। नहीं बेटा, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और भोलू के साथ विद्यालय जाओगी। विद्यालय? हाँ बेटा, जहाँ सब बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। वो सब ठीक है, तुम मुझे ये बताओ बिटिया कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं, हम जलपरियों में तो नाम नहीं होते। आप लोग ही मुझे कोई नाम क्यों नहीं दे देते? अच्छा ठीक है बिटिया, आज से तुम्हारा नाम परी है, जैसी कहानियों में होती है। परी, बहुत अच्छा नाम है, धन्यवाद माँ। जलपरी बहुत ही खुश थी और देखते ही देखते एक महीना बीत गया और जलपरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब जलपरी भोलू के साथ विद्यालय जाने लगी थी। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, भोलू जलपरी के पास गया और बोला, अरे यार, ये पढ़ाई लिखाई तो बहुत मुश्किल है, अब मुझे तुरंत घर जाना है। पर मुझे तो पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं? इसमें पसंद करने जैसा क्या है, बस जरूरत है तो पढ़ना पड़ता है। पर मुझे नई चीजों के बारे में सीखना अच्छा लगता है भोलू। आओ चलें, अब घर चलते हैं। हाँ आओ चलें। भोलू का सर अचानक से चकराने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जलपरी हड़बड़ाहट में उसके पास पहुँचती है। भोलू, भोलू, उठो भोलू, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो भोलू।
तभी वहाँ शिक्षिका आ जाती है और देखती है कि जलपरी की आंखों से जो आंसू निकले उसने अपने हाथों में रोक लिया और उसे भोलू को पिला दिया। क्या क्या हुआ यहाँ? मैं कहाँ हूँ? भोलू आओ चलो घर चलते हैं, अब तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रो मत, ऐसा कभी कभार हो जाता है मेरे साथ, आओ चलो घर चलते हैं। बेटा परी, तुमने ये कैसे किया? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। परी और भोलू अपने घर लौट आते हैं और सारी घटना दिनेश और मीनाक्षी को बताते हैं। बेटा, ये तो बहुत बड़ी बला थी जो भोलू पर पिछले कई सालों से है। दरअसल इसके दिल में कुछ दिक्कत है जिस वजह से ये कभी कभार बेहोश हो जाता है। हाँ बिटिया, और इसका उपचार करना संभव नहीं हो पा रहा था। माँ आप चिंता ना करें, एक जलपरी के आंसू जब खुद की इच्छा से आए तो वो किसी भी रोग या शारीरिक घाव को समाप्त कर देते हैं। अब भोलू की दिल की दिक्कत पूरी तरह से ठीक हो गई है। क्या सच? हाँ माँ बिल्कुल सच। जलपरी की बातें सुनकर दिनेश और मीनाक्षी की आंखें आंसुओं से भर उठी, पर जलपरी ने जो चमत्कार दिखाया उससे उन पर एक बुरी नजर पड़ गई। वो शिक्षिका विद्यालय में बैठे खुद से बातें कर रही थी। परी तुम ही मेरा धोखा रोगी। हाँ परी, हाँ। अगला दिन आ गया और भोलू और जलपरी विद्यालय आए थे और उस शिक्षिका ने भोलू और जलपरी को कुछ बातें करने के लिए रोक रखा था। क्या बात है अध्यापिका जी, क्या हम दोनों से कोई भूल हो गई है? नहीं बेटा, एक परी से कभी भूल थोड़े हो सकती है। तुम तो जब से इस गांव में आई हो पूरा गांव खुश है। तो क्या बात है अध्यापिका जी? हाँ हाँ रुको, बताती हूँ। मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हो और परी ने उस दिन जो चमत्कार दिखाया वो मैं अब तक नहीं भूल पाई। बस इन्हीं चीजों से खुश होकर मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लाई हूँ, ये लो। अरे वाह मिठाई, लो परी तुम भी खाओ। आपका धन्यवाद। भोलू धन्यवाद तो कहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यापिका जी। खाओ खाओ अच्छे से खाओ। जैसे ही उन दोनों ने उस मिठाई को खाया दोनों की आंखें ओझल होने लगी और कुछ ही पल में दोनों बेहोश हो गए। मेरी परी कैसी लगी मिठाई? शिक्षिका उन दोनों को अपने घर पर ले आई और उन्हें बांध दिया। जैसे ही उन दोनों को होश आया भोलू रोने लगा। ये क्या हो रहा है? ये आपने अच्छा नहीं किया अध्यापिका जी। आपके ऐसा करने से लोग दूसरे शिक्षकों को भी शक की नजरों से देखेंगे। मैं जानती हूँ आपने उस दिन मेरे आंसुओं का चमत्कार देखा और अब आप उसे पाना चाहती हैं। बड़ी होशियार हो परी, पर मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं वैसे ही ठीक कर दूंगी, उसके लिए आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारे पास खूब धन होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, पर मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे आंसू हैं, जिन्हें मैं बेचूंगी अपनी दवाई के नाम से, और फिर कभी मुझे शिक्षिका का काम नहीं करना पड़ेगा। माफ करना, पर जब वो आंसू मेरी इच्छा से आते हैं तभी वो काम करते हैं। अच्छा तो तुम नहीं रोओगी? कभी भी नहीं। तो मैं अगर इस भोलू को चोट पहुंचाऊंगी तब भी तुम नहीं रोओगी? तब तो तुम रोओगी ना? हाँ। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, भोलू को कुछ मत कीजिए। शिक्षिका तुरंत भोलू की ओर बढ़ने लगती है और तभी जलपरी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। नहीं भोलू को छोड़ दीजिए और मेरे आंसू ले लीजिए। एक बूंद भी खराब नहीं होनी चाहिए इन आंसुओं की।
शिक्षिका तुरंत एक पतली शीशी में परी के आंसुओं को भरने लगती है। बस बस, इतने आंसू बहुत होंगे। इसकी एक बूंद किसी भी रोगी के चोट को तुरंत ठीक कर देती है। अब हमें छोड़ दीजिए आप, मैं किसी को ये बात कभी नहीं बताऊंगी। माँ, बाबा। अब मुझे वैसे भी इस गांव में नहीं रहना, तुम लोग जा सकते हो। शिक्षिका वहाँ से उन दोनों की रस्सी खोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब हम क्या करें? इन्होंने तो रस्सी खोली ही नहीं, अब हम यहाँ भूखे ही रह जाएंगे। तभी परी के आँखों से एक बूंद टपकती है और वो रस्सी जलकर खाक हो जाती है। और जैसे ही वो भोलू की रस्सियाँ खोलती है, वो दोनों वहाँ से सीधे घर चले जाते हैं। घर आते ही दोनों सारी बातें अपने माता पिता को बता देते हैं। ये तो उसने ठीक नहीं किया। हाँ बिल्कुल, गलत किया उस शिक्षिका ने। हमें उसकी शिकायत पंचायत में करनी चाहिए। नहीं माँ, आप चिंता ना करें। माँ हूँ, चिंता कैसे ना करूँ। नहीं माँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि उसे दंड कुछ समय बाद अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा, वो कैसे बेटा? बताती हूँ बाबा। दरअसल हम जलपरियाँ अपने आँखों के रसायन को बदल सकती हैं। मतलब? यानी जो आंसू उन अध्यापिका जी ने जमा किए वो असली आंसू नहीं थे, वो एक रसायन है जो मैंने तैयार किया है अपनी आँखों में। उससे केवल उनके शरीर में जलन होगी और जब तक मैं उसे ठीक नहीं करती तब तक वो दिक्कत कभी ठीक नहीं होगी। तो अगर उसने उन आंसुओं को परखने की कोशिश भी की तो उन्हें दंड अपने आप मिल जाएगा? जी बाबा, बिल्कुल सही। पर ये तो बड़ी ही दिक्कत की बात है। अगर मेरी परी को कुछ हो जाता तो मैं था ना माँ इसे बचाने के लिए। अच्छा, तो वहाँ रो कौन रहा था? चारों के चेहरे पर इतने तनाव के बाद आखिरकार मुस्कुराहट आई। देखते ही देखते अगली सुबह भी हो गई और सुबह सुबह कोई घर का दरवाजा जोरों से पीट रहा था। मुझे बचाओ! दिनेश ने दरवाजा खोला। इतना घटिया काम करने के बाद आपको कौन बचाएगा? मेरे दोनों बच्चों को खतरे में डालकर अब यहाँ मदद की गुहार लगा रही हो? मुझे माफ कर दो, बस इस जलन को कम कर दो, मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। ये सब पहले सोचना था, अब कुछ नहीं हो सकता। बुरे कर्मों का बुरा ही अंजाम होता है। मैं अब अपनी गलतियों को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मेरी मति मारी गई थी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। बाबा, मैंने इन शिक्षिका से कुछ महीनों में कई चीजें सीखी थी। वो इनका काम था बेटा। फिर भी बाबा, आप ही कहते हैं दया धर्म है, इस पर इन्हें मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये कभी भी इस तरह का कोई काम करेंगी तो ये जलन फिर से चालू हो जाएगी। अब बहुत बड़ी लगने लगी है तू बिटिया। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। परी उस शिक्षिका को ठीक कर देती है। भले ही जलपरी ने तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन आज के बाद तुम इस गांव में कभी नहीं दिखोगी, क्योंकि तुमने अपने पद का अपमान किया है और हमारे बच्चों को खतरे में डाला है। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद वो शिक्षिका कभी गांव में नहीं दिखी और इस घटना के बाद परी ने विद्यालय में फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया, आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नज़र बाज से भी ज्यादा तेज है, अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम, मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौंक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है, तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद
स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है, तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है, मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाले बेंच पर हाथ खड़े कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, जाओ तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ, पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया, आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ सही कहा तुमने, हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती है। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देख कर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर आखिर तो ये बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था, इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है, अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ सही कहा तुमने, पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो, आज होमवर्क नहीं किया कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया, उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है,
आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं। ये कहानी है दुर्गा देवी की। अपने पति के चले जाने के बाद दुर्गा देवी ने ही अपना घर संभाला था। दुर्गा देवी के तीन बेटे थे, ओम, जय और जगदीश। ओम एक विद्वान था जिसे वेदों का ज्ञान था। जय एक व्यापारी था और जगदीश किसान था जो दुर्गा देवी के सारे खेतों में अनाज उगाता था। समय के साथ दुर्गा देवी ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब बहुओं के आ जाने से घर में कभी कभी अनबन चलती ही रहती थी, लेकिन दुर्गा देवी इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देती थी। लेकिन एक दिन इन तीनों की पत्नियों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि जगदीश की पत्नी जगदीश के पास गई। इस घर में सब लोग जो खा रहे हैं वो आप ही उगाते हैं ना? हाँ। तो आप अपनी माँ से अपना हिस्सा मांग लीजिए। सभी को अपनी अपनी मेहनत खुद ही करने दीजिए, तब जाके आपकी मेहनत पता चलेगी। जगदीश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर जगदीश अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ, हम इस आए दिन के झगड़े से तंग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप सारी जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। हाँ माँ, यही सही रहेगा, मैं भी सहमत हूँ। दुर्गा देवी ने तीनों की ओर गौर से देखा और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो हम बंटवारा कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ तीर्थ करके गंगा घाट पर डुबकी लगाए और लौट कर मैं जायदाद का बंटवारा कर दूंगी। तीनों भाइयों ने सहमति भरी और कुछ दिनों बाद वो लोग तीर्थ करने निकल पड़े। ओम ने पैसों की पोटली अपनी माँ को दे दी। दो दिन का सफर करने के बाद वो लोग मंदिर पहुंचे। सभी ने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद सभी गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। जैसे ही दुर्गा देवी ने डुबकी लगाई, उन्होंने पैसों की पोटली गंगा में बहा दी। सभी लोगों ने डुबकी लगा ली और तट पर बैठे। हाँ, अब तीर्थ भी हो गया और गंगा में डुबकी भी लगा ली, अब बस घर चलकर बंटवारा करना है। हाँ चलो चलते हैं, लेकिन क्या हुआ माँ, पैसों की पोटली कहाँ गई? आप ही के पास तो थी। हाँ अभी तक तो थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। शायद गंगा में बह गई हो। अब हम क्या करें, हमारे पास पैसे ही नहीं है, अब हम घर कैसे लौटेंगे? घबराओ मत, मेरे तीन तीन बेटे हैं, ये लोग कुछ न कुछ कर ही लेंगे। ओम, जय, जगदीश, हम सब यहीं तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जाओ और पैसों का इंतजाम करो। ठीक है माँ। तीनों भाई अलग अलग दिशा में गए। ओम एक गांव में पहुंचा, वहाँ एक आदमी रो रहा था। क्या हुआ भाई? मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद हम चारों भाइयों में बराबर बांट दी थी, सिर्फ एक बिल्ली को छोड़ के। तो सरपंच जी ने फैसला किया कि उस बिल्ली की एक एक टांग हम सबकी है। दो दिन पहले बिल्ली की मेरी वाली टांग पर चोट लगी थी, तो मैंने उसे घी का कपड़ा लपेट दिया। बिल्ली वो घी का कपड़ा लेकर चूल्हे के पास चली गई और कपड़े में लग गई आग, और फिर उसने देखते ही देखते बहुत सारे घर जला दिए। अब मुझ गरीब को सबको हर्जाना देना है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास चार बैल गाड़ियां हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगा।
ठीक है, फिर तुम अपने तीनों भाइयों को और गांव वालों को जमा करो। गांव वाले एक पेड़ के नीचे जमा हुए। क्या यह सच है कि मदन ने बिल्ली की अपनी टांग में पट्टी की थी? हाँ। उसने पट्टी क्यों की थी? क्योंकि बिल्ली की उस टांग में चोट लगी थी। तो मतलब बिल्ली उस टांग से ठीक से चल नहीं पा रही थी, फिर वो कैसे चली? क्योंकि उसकी बाकी तीनों टांगे ठीक थी, इसलिए वो चल सकी। मतलब बाकी तीनों टांगे ठीक थी, इसलिए बिल्ली ने गांव भर आग फैलाई। तो इस कारण हरजाना उन्हें भरना चाहिए जो तीन टांगों के मालिक हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। उन्होंने मदन की समस्या हल कर दी और उसे दो बैलगाड़ियां मिल गईं। जय पहुंचा नदी के तट पर, जहां राजा कुछ ऐलान कर रहे थे। जो भी व्यक्ति मुझे इस हाथी का वजन बता देगा, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। जय तुरंत राजा के पास चला गया। महाराज, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक नाव और ढेर सारी अनाज की बोरियां चाहिए। ठीक है। राजा ने जय को नाव दे दी। अब इस नाव को नदी में डालिए और हाथी को इसमें बैठाइए। सैनिकों ने हाथी को नाव में बैठा दिया। फिर जय ने कोयले के टुकड़े से एक निशान बनाया जहां तक नाव पानी में डूबी थी। अब आप हाथी निकाल लीजिए और इस नाव में धान की बोरियां भरिए। सैनिकों ने हाथी को बाहर निकाला और नाव में धान की बोरियां भरनी शुरू कर दी। जब नाव उसी निशान तक डूबी तो बस बस बस, अब इन सारे अनाज की बोरियों का वजन कर लीजिए। सैनिकों ने बोरियों का वजन करना शुरू किया। महाराज, 3000 किलो। तो महाराज, इस हाथी का वजन 3000 किलो है। बहुत अच्छा जय, ये लो तुम्हारा इनाम। जय को 10000 सोने के सिक्के मिल गए। जगदीश एक खेत में पहुंचा जहां कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। क्या समस्या है? इस खेत में पानी का इतना बहाव है कि कोई धान टिकता ही नहीं, समझ नहीं आता क्या करें। मैं इस समस्या का कोई हल निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें 2 बोरी चावल और दाल दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे नारियल के छिलके चाहिए। ठीक है। जगदीश ने नारियल के छिलकों में धान लगाया और उन्हें गीली मिट्टी में गाड़ दिया। ऐसा करके उसने एक छोटे टुकड़े में धान लगा दिए। अब ऐसे ही सारे खेत में लगा दो। जगदीश को 2 बोरी अनाज मिल गए। तीनों भाई माँ के पास लौटे। ये लो माँ, 2 बैलगाड़ियाँ, ये सोने के सिक्के और ये 2-2 बोरियाँ अनाज। तुम तीनों के तीनों ने अलग अलग इंतजाम किए। जगदीश, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही मेहनत करके घर चलाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ओम बैलगाड़ियां ले आया और जय सोने के सिक्के और तुम अनाज ले आए। मैं समझ गया माँ। क्या अब भी तुम तीनों अलग होना चाहते हो? नहीं माँ, हम समझ गए कि हम अलग हैं, लेकिन एक साथ ही पूरे हैं। बहुत अच्छे। इस तरह दुर्गा देवी ने अपने तीनों बेटों का बंटवारा रोक दिया और उन तीनों को एक दूसरे का मूल्य बताया। तो बच्चों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए।